नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल प्लम्बर मैन में। दोस्तों, यदि आप CPVC पाइप का फिटिंग करते हैं और आपके बाथरूम में CPVC पाइप का फिटिंग का कोई पॉइंट टेढ़ा रह जाता है, तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बतलाने वाला हूं जिससे आपका पॉइंट कभी टेढ़ा नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपका बाथरूम फिनिशिंग होकर तैयार है और आप नल झरना लगाने जाते हैं और आपका नल या शावर टेढ़ा रह जाता है, तो आपकी काम की जो खूबसूरती है वो देखते नहीं बनती है। तो आज मैं आपको इस ट्रिक को बतलाने वाला हूँ। अगर इस ट्रिक से आप काम करते हैं तो आपका पॉइंट कभी टेढ़ा नहीं होगा और फिनिशिंग वर्क भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। दोस्तों, ट्रिक छोटा सा है लेकिन काम का है, तो इस ट्रिक को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो आइए हम इस ट्रिक के बारे में बतलाते हैं। सबसे पहले हम अपने बाथरूम में जो भी फिटिंग कर रहे हैं, चाहे वो क्रॉस टी फिट कर रहे हों, ठीक है, चाहे वो ब्रास एल्बो फिट कर रहे हों, चाहे ब्रास टी फिट कर रहे हों, चाहे ब्रास MTA FTA फिट कर रहे हों, हम सबसे पहले अपना PVC का हाफ इंच का प्लग लेंगे और जो फिट करना है उस फिटिंग का यूज करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले इस प्लग को टाइट कर लेंगे। इसके दो फायदे हैं दोस्तों। हम बाथरूम फिट करने के बाद सारे पॉइंट्स को प्लग से सेफ करते हैं ताकि प्लास्टर के दौरान उसमें सीमेंट न जाए, तो ये चीज़ हमको दोबारा करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, हमारा पॉइंट एकदम सीधा आएगा। अब हम अपने सेंटर को नाप लेंगे, लेकिन इससे पहले एक दूसरा चीज़ और बतलाने वाले हैं दोस्तों। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम ग्रुपिंग कटिंग कर लेते हैं और जब पाइप फिट करने लगते हैं तो हम सिर्फ एल्बो टी को रख कर इस तरह से, जैसे कि हम इस पॉइंट को करने वाले हैं, इस पॉइंट को आगे ले जाने वाले हैं, तो हम सिर्फ फिटिंग को रख के, सिर्फ इस तरह से हम फिटिंग को रख देते हैं और इसको रखने के बाद हम नाप लेते हैं और नापी करने के बाद फिटिंग करते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों कि हमारा ग्रुप जो है उससे हमारा फिटिंग या तो इधर से आउट हो जाता है या तो इधर से आउट हो जाता है। मैं इस मैटर में एक चीज़ बतलाने वाला हूँ कि क्यों ना इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम दो छोटे छोटे निपल तैयार कर लें, दो या तीन निपल तैयार कर लें और इसको इस तरह से फिट कर लें। यदि टी सेल लगा रहे हैं तो इस तरह से फिट कर लें और इसको इस तरह से फिट कर लें और इसको इस तरह से फिट करने के बाद हम ग्रुप में अच्छे तरह इसको सेट कर लेंगे, जैसा कि हमने ये सेट कर लिया है। और इसको सेट करने के बाद आसानी से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, इसका नाप ले सकते हैं। लगभग 23.5 इंच 24 इंच का आ रहा है। अब हमने इसे नाप लिया। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हम इस ग्रुप में ना तो हम छेनी का यूज करेंगे और ना ही हथौड़े का यूज करेंगे और हमारा जो फिटिंग है पूरा का पूरा ग्रुप का सेंटर में आएगा। तो अभी हम नाप लेते हैं। फिलहाल मेरे सामने दो तीन टुकड़े रखे हुए हैं, इसे हम नाप लेते हैं, शायद ही कोई नाप का आ जाए। दोस्तों, तकरीबन मेरा साइज आ चुका है, अब हम इसे फिट कर देंगे। अब हम इस टी का यूज करेंगे। इसमें जो हमने एक निपल लगाया हुआ था CPVC का, इसको निकाल कर अब इसमें हम सोलेशन यूज करेंगे। सोलेशन लगा देंगे अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद हम अपने पाइप्स में भी सोलेशन लगा देंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने बिना छेनी बिना हथौड़े का यूज किए बिना हमने इस फिटिंग को आगे बढ़ा दिया। अब हम इसका दूसरा साइज का नाप लेंगे। एक साइडल दीजिएगा। अब दूसरा साइज को नाप लेना है और हम अकेले बाथरूम फिट कर रहे हैं तो इस तरह से नाप लेंगे। फिलहाल दोस्तों साइडल का कील जो है थोड़ा सा निकालना पड़ेगा,
ताकि इसे फॉल्स एडजस्ट कर दिया जाए, और फिर नाप लेने के बाद इसे निकाल लिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास फिर से दो टुकड़े बने हुए हैं, इससे हम आसानी से इस टुकड़े का भी नाप ले लेंगे। थोड़ा बहुत अगर कटिंग करना पड़ता है दोबारा तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा कटिंग करने की नौबत नहीं आएगी अगर ये ट्रिक आप लेते हैं तो। तकरीबन हमारा ये साइज 14.5 इंच का आ रहा है, तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा 14.5 इंच का टुकड़ा है या नहीं। 15 इंच का है, एक बार फिर से हम नाप ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि 15 इंच का टुकड़ा मेरे पास है। थोड़ा सा इसमें से कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 15 इंच डाल देने पर काफी परेशानी आ सकती है, फिर इसे निकालना ही पड़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने इस वीडियो में 15 इंच का टुकड़ा लिया हुआ है, इससे 1/2 इंच माइनस किया जा रहा है। पाइप काटने के बाद अंदर से भी फाइल मारना ना भूलें, ताकि इसका बुरादा जो है वो साफ हो जाए। अगर आपके पास सरेस पेपर है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इस एक्सो ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने एक निपल निकाल लिया है और इसमें सोल्यूशन के माध्यम से फिक्स करेंगे। याद रहे दोस्तों, किसी भी टुकड़ा का कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आप उस टुकड़े को सेट करें, और बाद में आप एल्बो या टी का सेटिंग करें। इससे आपका जो वायरिंग है अच्छे से होगा और कोई पॉइंट आपका टेढ़ा नहीं होगा। फिटिंग करते समय एक निपल जरूर लगा के रखें दोस्तों, नहीं तो आपका प्लेन एल्बो टी भी होता है जो आपका या तो ऊपर उठ जाएगा या तो नीचे की तरफ चला जाएगा। इस तरह से एक निपल एडजस्ट कर लेने से आपका काम, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों मेरा एल्बो थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, अब ये ठीक है। अब हम इस सैडल को फिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं दोस्तों कि हमने पीवीसी सैडल मार लिया है, अब मैं आपको वो ट्रिक बतलाने वाला हूं जिससे आपका पॉइंट कभी टेढ़ा हो ही नहीं सकता है। अब हमें इस टॉयलेट का नल चाहिए, तकरीबन 31 इंची के आसपास हमने मार्किंग लगा लिया है। अब यहाँ पे हमने ब्रास एल्बो रख लिया है, ये हमारा नाप है तकरीबन 13.5 इंच का। अब ये हमारा 13.5 इंच का टुकड़ा आपके सामने है दोस्तों। ये हमने पाइप में सोल्यूशन लगाया है और अब इस प्लेन टी में सोल्यूशन लगा रहे हैं। ये हमने पाइप को फिट कर लिया है, पाइप को फिट कर लिया है। अब हमने तो आप देख रहे हैं कि हम
एक ब्रास टी में सोल्यूशन लगा रहे हैं और फिर हम इस पाइप के टुकड़े में भी थोड़ा सा सोल्यूशन लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इस ब्रास टी को अच्छे से फिट कर लेंगे। दोस्तों अभी मेरा पॉइंट टेढ़ा है, अभी भी मेरा पॉइंट टेढ़ा है, लेकिन इस हाफ इंच पीवीसी प्लग के माध्यम से हम अपने पॉइंट को सीधा कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी सी पीवीसी फिटिंग करें तो प्लग को लगाकर आप बाथरूम फिटिंग करें, आपका पॉइंट कभी टेढ़ा नहीं होगा और फिनिशिंग वर्क भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही, आगे हम नए नए वीडियो बनाते रहेंगे और नए नए छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।